नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आए दिन किसी न किसी नेता से आपको मिलवाते रहते हैं, उनके विचार आप तक पहुंचाते रहते हैं, किसी जिस भी सांसद, विधायक या निगम पास ने जो भी कार्य किए हैं उनसे आपको रूबरू कराते रहते हैं। आज एक बार फिर हम मौजूद हैं सरिता बिहार के वार्ड नंबर 101 में, और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अमर सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर। सर, आपका हुंकार 24/7 में बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, बात करें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी की, तो उन्होंने चुनावी समय बहुत से वादे किए थे कि गरीबों को पक्के मकान देंगे, वाईफाई फ्री देंगे, बसों में महिला सुरक्षा देंगे। आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो उन पर खरे उतरे हैं? देखिए, अब उनके भी 4 साल तकरीबन पूरे हो चुके हैं, और क्या काम किया है वो, फिर से उन्हीं वादों पर अब फिर से लौट आए हैं कि मैं पक्के मकान दूंगा, गरीबों को उठने नहीं दूंगा। जबकि पिछले 5 साल में क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी कोई भी कच्ची कॉलोनी में कोई भी तोड़फोड़ नहीं हुई थी, किसी को भी उठाया नहीं गया था। अब उनका भी सारा वो जो जुमलेबाजी, अब वो लोग समझ चुके हैं। आप जानते हो कि उन्होंने कोई भी ऐसा, चाहे वो महिला की सुरक्षा के लिए हो, चाहे वो कैमरों के लिए हो, चाहे वो 500 स्कूल खोलने के लिए, और मैं तो कई स्कूलों में भी देखा कि वो स्कूल के नाम पर जो बच्चों का जो प्लेग्राउंड है उसमें उन्होंने बिल्डिंग बना दी, क्योंकि जगह थी नहीं, और उसी को ही वो नया स्कूल कह रहे हैं। तो वो सब जुमलेबाजी, ऐसा कोई काम किया नहीं। फिर से अब इलेक्शन आने वाले हैं तो वो फिर से मैदान में लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी जुमलेबाजियों को लिए आए हैं। अभी पीएम मोदी ने 10% स्वर्ण समाज के लिए आरक्षण दिया है, क्या उसे कोई लाभ मिलेगा? देखिए, अब फिर इलेक्शन का समय है, चुनावी माहौल है, तो मोदी जी तो चुनाव में जुमलेबाजी करने के लिए आजकल नंबर 1 पर हैं, सभी जानते हैं। और ये भी मेरे हिसाब से तो एक जुमला है, सरकारी नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं और आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण में आप होगा क्या, कहाँ से आपने नौकरी दी है बताइए? आप 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे, कितनी नौकरी आपने सरकारी दी है? सरकारी नौकरियाँ तो आपने खुद ही बंद कर दी है जी। सब जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो आरक्षण देने का ये सब एक जुमलेबाजी है जो मुमकिन है नहीं। सिर्फ बस पब्लिक को आपस में गुमराह करके लड़वाना है, जो बीजेपी हमेशा कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, ये सब इनको जब चुनाव आता है तभी सब कुछ याद आता है जी। अमर जी, मैं बात करूँगी नोटबंदी और GST की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी और GST करी थी, आपको क्या लगता है कि इससे लोगों को फ़ायदा पहुंचा है? देखिए, नोटबंदी और GST, पहले हम नोटबंदी को लेते हैं कि नोटबंदी किस लिए की गई थी, कि भ्रष्टाचार रुकेगा जी, काला धन वापस आएगा लोगों का। अब आप बताइए कि कितना काला धन वापस आया जी। सवाल ये था कि स्विस बैंक में बहुत सारा, रामदेव जी जैसे कहते थे कि पता नहीं लाखों करोड़ है, वो आज तक हमने तो सुना नहीं है। लाया आप उससे लाइए, नोटबंदी करके, नोटबंदी और काला धन वापस लाइए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। जितना पैसा था फ्लो में जो मार्केट में चल रहा था वो मैक्सिमम 99% वापस आया। तो नोटबंदी का तो जितना नुकसान हुआ उससे, बल्कि लोगों का, हाँ एक फ़ायदा ज़रूर बीजेपी गवर्नमेंट ने कराया जो इन चुनाव में पता करने वाला, लोगों का रोज़गार छीन गया, बहुत सारे जो गरीब छोटे जो मजदूर वर्ग था, छोटे जो उद्योग थे वो बंद हो गए। ये बहुत बड़ा फ़ायदा मोदी गवर्नमेंट ने, हमने जो देखा है, और वो आने वाले 2019 में इनको पता चलेगा कि नोटबंदी से कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस देश की जनता को। रही बात GST की, GST इन्होंने इतना लगा दिया था, इतना कॉम्प्लिकेटेड था, आज हर जब देख आप देख रहे हो कि गुजरात में इलेक्शन हुआ तो GST कम हुआ, 5 में हुआ तो GST का अनाउंस होने लगा कि भाई GST और कई चीज़ों पर कम किया, अब एक और नया, अभी आप देखिए कि अगले महीने कई चीज़ों पर, पिछले महीने GST घटाया है। तो अगर इनका GST इतना ही अच्छा था तो अब इन्हें घटाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि इन पर पब्लिक का दबाव है, इन्होंने रोजगारों को, छोटे रोजगारों को सब खत्म कर दिया। अगर रोजगार आज के टाइम में जो हमने देखा मिला, तो वो अडानी जी को मिला, रामदेव जी को मिला, क्या कहते हैं, अनिल अंबानी को मिला, जो डिफॉल्टर थे सबसे बड़े जी। और उनको बैठे बिठाए 12-15 दिन की कंपनी को इतना बड़ा ठेका दे दिया, रोजगार तो इन्हें मिला है, आम आदमी तो बेरोजगार हुआ है जी। बिल्कुल मार्केट में पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है जी। तो GST से ये बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान है जो मोदी सरकार को और मोदी को भुगतना पड़ेगा 2019 में।
सर अमित शाह जी ने रामलीला मैदान में खिचड़ी पकाकर दलित समाज को साधने की कोशिश की, क्या लगता है आपको कि बीएसपी व कांग्रेस की वोट बैंक में इससे कोई फर्क पड़ेगा? अमित शाह जी और बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अब दलित इतना वो दलित नहीं है, दलित समाज भी पढ़ने लगा है और इस देश में जाग गया है कि आपकी ये खिचड़ी खाने से, आपके खिचड़ी के दिखावे से वो आपको वोट दे देगा। खिचड़ी खिचड़ी की ज़रूरत नहीं थी, दलित समाज का आपको सम्मान देने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ आपके आप ये देख लीजिए, यूपी में और हरियाणा में जहाँ जहाँ इनकी गवर्नमेंट आई है वहाँ पर इन्होंने आरक्षण को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है और ये गवर्नमेंट सेक्टर में आरक्षण ख़त्म, प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म करिए, आप वहाँ आरक्षण बढ़ाइए। और आपने देखा था पिछले साल इन्हीं दिनों में जब भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी, वो आपके जो गुरुजी प्रधानमंत्री जी के गुरुजी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और दलित समाज के कितने लोगों पर आपने उनके कार्रवाई की है, चाहे वो मेरठ हो उसमें, चाहे महाराष्ट्र हो, वो आज भी उन लोगों पे केस है। तो जो भलाई का काम करने का है दलित समाज के लिए, आरक्षण का, नौकरियों में प्रमोशन देने का, प्राइवेट कॉलेजों में आप आरक्षण करिए उनके लिए, आप फीस में आरक्षण करिए उनके लिए, तो ये सब काम करिए। खिचड़ी पकाने से कुछ नहीं होगा, देख लीजिए आप, कुछ कोई भी लोग इकट्ठा लाखों कह रहे थे और मुझे तो लगता नहीं कि वहाँ पर कोई 5,000 भी आदमी खिचड़ी खाने पहुँचे हों, तो इनका खिचड़ी एक दिखावा था जी। सर बात करें राम मंदिर को लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा अब तक राम मंदिर बना हुआ था, लेकिन अब राम मंदिर को छोड़कर वो हनुमान जी की जाति के पीछे पड़ गए हैं, क्या लगता है कि आपको हनुमान जी की जाति क्या मुसलमान दलित बताकर ही सही कर रहे हैं? अब जी अब जनता जान चुकी है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, देखिए पिछले जो तीन बड़े बड़े जो हिंदू स्टेट हैं जी, 90% के करीब उनमें हिंदू ही आबादी है, और उसमें इनको जनता ने बहुत बड़ा राम मंदिर के नाम पर सबक दिया है। अरे राम मंदिर तो सभी हिंदू चाहते हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन राम मंदिर बने जब एक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, देश में रह रहे हैं हम, संविधान को मानते हैं, जब कोर्ट में केस है तो कोर्ट का फैसला ही मानेंगे सब जी। लेकिन ये झूठी राजनीति कर रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं मंदिर के नाम पर सिर्फ वोट के टाइम पर। आप देखिए 4.5 साल इनको राम मंदिर याद नहीं आया, और अब सारी धर्म सभाएं क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी जो क्या कहते हैं साधु संतों की सभाएं सिर्फ यही लोग करवा रहे हैं, बताइए नहीं तो कौन सा ऐसा राम मंदिर पूरा। आप सिंगल गवर्नमेंट में आप थे, यूपी में आप हैं, आप चाहे तो आप अध्यादेश ला के भी बना सकते थे, लेकिन अब तो मोदी जी ने वो भी क्लियर कर दिया, क्योंकि अध्यादेश एक कानूनी प्रक्रिया है, ये जितना गुमराह करते रहे हम अध्यादेश लाएंगे लाएंगे, वो ये ला नहीं सकते थे। तो आज राम मंदिर, और राम मंदिर जब मुद्दा नहीं मिला तो वहाँ पर इन्होंने हनुमान की जाति बता दी। बताइए भगवान की कोई जाति होती है? इनका काम है सिर्फ जातियों को, जातियों में लोगों को बांटना, धर्म में लोगों को बांटना, राम मंदिर के नाम पे गुमराह करना, इन्होंने काम नहीं करना। इन्होंने से इन्होंने काम किया है, हाँ जी 5 साल में इन्होंने 4.5 साल में काम किया है, एयरपोर्टों के नाम बदले, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले, यूपी में स्कूल और उनका रंग बदला जी, उनकी सफ़ेदी करी, यही बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने। हमने तो देखा मोदी जी का सबसे बड़ा काम तो यही है कि नाम बदल रहे हैं, सबको केसरी कर रहे हैं, केसरी से क्या, केसरी सब जो धार्मिक जो भावना है वो सब लोगों के दिल में है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं, अब लोग वो समझ चुके हैं जी। सर एनडीए से उसके सभी सहयोगी दल अलग हो रहे हैं, इसे क्या लगता है आपको कि मोदी की नीतियां उनके सहयोगियों को पसंद नहीं आ रही है, कोई और बात है? हाँ जी, मोदी की जो नीतियां हैं वो हिटलर शाही नीतियां हैं, दमनकारी नीतियां हैं, और अब उनकी पार्टियां भी समझने लगी। इनको इतना अहंकार हो गया था अपने सिंगल गवर्नमेंट आने का कि अब तो जो चाहे हम कर सकते हैं, और इन्होंने अपने सहयोगियों को भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उनकी नीतियों को नहीं मानते, उनकी बातों को नहीं मानते हैं। तो अब देखिए आप सभी एक धीरे 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 सभी, अब शिवसेना राम मंदिर के नाम पर आप खुला समर्थन दिया था, 30 साल से आपकी सहयोगी थी, तो आप जब तो जब इनकी सरकार नहीं थी, जब इन्हें ज़रूरत थी तो ये हमेशा उनकी बात मानते भी थे और उनको समर्थन भी देते रहे। आज जब इनको देखा कि अब तो हमारी गवर्नमेंट बन गई है तो ये आँख दिखाने लगे, इसलिए अब धीरे धीरे चाहे वो यूपी में इनके साथी हों, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, सब अलग होने लगे जी। सर अभी फिर करंट में ही अजय माकन जी ने पद से इस्तीफा दिया है, क्या कारण रहा कि उन्होंने जो अपना इस्तीफा दिया? देखिए अजय माकन जी ने इस्तीफा तो 4 या 5 महीने पहले ही दे दिया था और ये मीडिया में आई भी थी, और उन्होंने जो अपना इस्तीफा दिया है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर दिया है, उनको इतनी स्वास्थ्य की इतनी प्रॉब्लम है, तो वो इतना समय
और जो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए बहुत काम होता है, उसके लिए वो थोड़ा सा असमंजस महसूस कर रहे थे, परेशानी महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया कि भाई और अपना आ गया, बाकी पार्टी में वो बने हुए हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी। सर, सपा बसपा के गठबंधन को लेकर सपा से अटकलें हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सपा और बसपा काफ़ी है, कांग्रेस की जरूरत नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं नहीं, ये तो उनका विचार था, अब लेकिन ज़रूरत कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस का जो वोट जनाधार है वो पूरे देश में है जी। ठीक है, हम यूपी में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिए, अगर हम कांग्रेस पार्टी अकेला भी लड़ती है तो भी मतलब बीजेपी का मकसद तो देखो उनका भी यही है कि भाई बीजेपी असम बीजेपी को हराना है, बीजेपी क्योंकि हराने का एक मकसद है। जो दमनकारी नीतियाँ बीजेपी ने चलाई है, मोदी जी ने जो डिक्टेटर शाही इस देश में चलाई है, ये उसको हराना है। अब ये लोगों के पास एक ही चेहरा है मोदी, और उसको कहते हैं कि जी मोदी को हराना, अरे मोदी को नहीं, वो बीजेपी है, मोदी एक प्रधानमंत्री हैं और काम मोदी के नाम पर आपके जो 5-7 मंत्रियों ने इस देश में जो अराजकता फैलाई, धार्मिक उन्माद फैलाया और जातिवाद फैलाया, तो ये सब लोग देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हम भी बीएसपी और क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के साथी हैं, और देखिए समीकरण कैसे बनते हैं, या तो अकेले लड़ेंगे तो भी, लेकिन मकसद यही है कि भाई किसी भी तरीके से हम लोग है ना बीजेपी को 2019 में रोकेंगे जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हुंकार 24/7 को अपना कीमती टाइम दिया। धन्यवाद, आपके बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आपने देखा कि हमने अमर सिंह जी से क्षेत्र की समस्या और राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात की, तो उनका यही कहना है कि दिल्ली के सीएम जी ने चुनावी समय में जो वादे किए थे वो उन पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने बहुत से वादे किए थे कि वो गरीबों को पक्के मकान देंगे, वाईफाई फ्री देंगे, बिजली बिल आदि करेंगे, लेकिन वो एक भी वादे पर खरे नहीं उतरे। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी कुछ खास कार्य नहीं किए, अगर कार्य किए हैं तो सिर्फ देशों के नाम बदलने के और देश को तिरंगा करने के काम किए हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने अमर सिंह जी से क्षेत्र की समस्याओं और राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात की, तो उनका यही कहना है जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने चुनावी समय में जो वादे किए थे, जैसे गरीबों को पक्के मकान देना, वाईफाई फ्री करना, बिजली बिल आदि करना, महिला सुरक्षा देना, लेकिन उन्होंने एक भी जो वादे किए थे उन पर खरे नहीं उतरे हैं, उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। फिलहाल बात करें मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार ने भी कुछ खास कार्य नहीं करे, विकास के नाम पे सिर्फ लोगों को गुमराह किया है और राज्यों के नाम बदलने के सिवा कुछ नहीं किया है। फिलहाल आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ, मैं रेनू चौहान, कैमरामैन सोनू यादव के साथ सरिता विहार, धन्यवाद।